एक कल्पना आई है। कौन सी? अंगड़ाई लेती है जब वो जोर जोर बहुत सुंदर बहुत सुंदर और ये 10 मुद्राएं सेवक भैया आदरणीय सेवक भैया की ओर से 10 मुद्राएं आशीर्वाद की कामना है। अंगड़ाइयां लेती हूँ जोर जोर से जावार आ रही है जोर से अरे वो तो चले गदर फिल्म बन जाए गदर बस कुछ ऐसे है मैं गीत नहीं आ रहा मेरे तो लेकिन आपने दिया बहुत मामला गड़बड़ है। जयकार का गूंजता है जोर जोर से बम बम की आवाज आती चारों ओर से क्योंकि यही है वो दर जहां झुक जाते सर अक्सर तत्काल बस एक शब्द आपने डाल दिया है मिला भक्तों को वर है तत्काल कालों के काल महाकाल से हुए कंगाल ही माला माल कालों के काल महाकाल से अच्छी बात है। एक शब्द है काल और काल का कई बार आपने प्रयोग किया है अपने शब्दों के द्वारा गीत में बस यही है कोशिश करूंगा क्योंकि इसे तो बहुत लोगों ने गाया हमने भी बहुत गाया लेकिन आपने मामला ही चेंज कर दिया है इसलिए कहना पड़ा। क्या एक काल जो लेने आता है उसे भी एक काल कहते हैं और एक काल वो ऐसा काल कि मौत लेने आया वो जिसे यमराज कहते हैं जो प्राण लेने आते हैं। एक भक्त ऐसा हुआ जिस भक्त के प्राण लेने यमराज आए लेकिन होता क्या क्या एक श्वेत भक्त राजा एक श्वेत नाम का भक्त आप आध्यात्म से बहुत वाकिफ हैं इसलिए ये प्रसंग। एक श्वेत भक्त राजा शिव का महान था श्वेत राजा एक श्वेत भक्त राजा शिव का महान था
उसकी ही भक्ति पूजा से परिचित जहान था, उसकी ही पूजा से परिचित जहान था। कुलदीप भैया, चंद्र प्रकाश भैया पीछे चल रहा है, आप चश्मे में वैसे जम रहे हो, आप पे गाना बन गया। काल भी है भगा तत्काल, जब भेंट हुई महाकाल से। ये है काल भी है भगा तत्काल, जब भेंट हुई महाकाल से। शिव जी का देख करके भवकाल, भवकाल आपके पास तो सागर है। जब भेंट हुई महाकाल से और काल को, वो काल आया था प्राण लेने। एक नई लाइन महेंद्र भैया, के काल को है किया कंकाल, काल को कंकाल कर दिया, वो जो प्राण लेने आया था। हटी हटी रह गई काल को है किया कंकाल, जब भेंट हुई महाकाल से और काल के है लिए प्राण जब निकाल। जो काल आया था उसका स्वयं काल महाकाल बन गए, इसलिए कि जब काल के प्राण लिए है निकाल, जब भेंट हुई आज तक किसी कीर्तनकार ने नहीं गाया। मेरे लिए भाई सबसे पहली बार, और लेकिन आपने बहुत प्यारा, जिसे मैं सुनता तो कई बार रेडियो में रहा लेकिन कभी तैयार नहीं किया, ये सच्चाई है। लेकिन आपको देख के वही रेडियो बज रहा है मेरे कान में। Oh,
भूले ने तो नाजुक होठो ने जो हमको बख्शा है, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हसी कंठ जो नीला नीला है, ये पसीने का अंजाम है, और इसमें जो जहर जहरीला, इसमें जो जहर जहरीला देवों का दिया इनाम है, कोशिश करूंगा महेंद्र भैया कोई गलती हो जाए देख लेना। दुनिया को पूरा साबित करना, भगवान भोलेनाथ का उधर से जिक्र हुआ, कोशिश रही है भगवान भोलेनाथ का जिक्र इधर से भी, लेकिन राम और माँ धनुधारी राम की ज्यादा बातें होती है, लेकिन उनको देखिएगा गीत के माध्यम से आखिर राम और माँ पसंद कोई कारण है। प्रभु जपते निरंतर हो किसको, पार्वती जी कहने लगी हे भोलेनाथ, आखिर आप बीच के ध्यान लगाए रहते हो, कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता आप किसको जप रहे हो, पूछ रही है सवाल। प्रभु जब जपते निरंतर हो किसको, ये किसका बताओ नाम हो, तन राखु रमाए हो किसकी, तन राखु रमाए हो वो किसका बताओ नाम ये, जब प्रेमी को किसी को अब राम नाम संत सुना तो भोलेनाथ उसी मुर्दे के पीछे चल दिए, जब मुर्दे के पीछे चल दिया सोचा कि यही तो राम है, राम नाम संत है, अब जब चल दिया तो मुर्दा तो चलकर आ हुआ शिव
सती माँ से भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैंने तुम्हें दादा क्यों कोई कारण था वो ये कारण यही था क्या तुम बन के सती जब आई और जिसमें रा और मा नहीं है भोलेनाथ उसको त्याग देते हैं चाहे वो उनकी पत्नी क्यों ना हो। तो जब आई अपर्णा तुम बन कर जिसमें है मुझे राधा ना मिले तो तुमको अपनाया जब मैं तुमको अपनाया जब मैं सब पे हो लेकिन अपर्णा उसमें एक शब्द आ गया रा इसलिए मैंने उनको रा से अपना लिया अपर्णा। तो तीसरी बार महेंद्र भैया जब मैंने देखिए तारा में भी रा शब्द का प्रयोग हो गया और मुझे तुम्हें अपनाना पड़ा। तो तुम तारा बनकर आई मां बनकर दूध पीला तो सुरसरी में तारा सुरसरी में
वातारा मेरा सुर सर में वातारा मैं गाए बिना ये राम का प्यारा नायो लाखू रमाया पूजी सुखी हारा रमाए पूजी सुखी ये राम का प्यारा जब जपते हो निरंतर जिस को ये किसका बताओ नाम है वो जब ताखू तन रात समाए तन रात रमाए खोपी सूपी वो किसका बताओ हम तेरे शहर आए मुसाफिर अरे बिटिया काजू बिटिया बिटिया एक मिनट काजू थोड़े खा लो फिर जाओ बैठ जा बैठ जा अच्छा जरूरी काम तो जाइए आइए क्या बात है आदरणीय जितेंद्र सक्सेना भैया हमारे राकेश भैया के परम मित्र जब हम लोग डाकखाने जाते थे तो वहाँ गाना बजाना हुआ करता था और डिस्क बजा के हम लोग गाया करते थे सुना करते थे अपने जितेंद्र भैया को तो आदरणीय महेंद्र भैया बात आई आपकी तरफ से कंठ नीला पड़ गया क्यों अब कुछ बात हमें भी याद आई इसलिए ये गीत लखनऊ में पहली बार जय बोलो क्या बात है
क्या भाव लड़का बैठे हैं घर में शिकायत हुई, लेकिन महेंद्र भैया आप गवाह हो, तुम जानो, कुलदीप भैया जाने, इसलिए गीत पे आइए, मन ले जाइए। कुलदीप भैया आप इतने प्रेमी और स्वयं गाते हो, या सुन लो लाइन, वरना हमारी लाइन खराब हो जाएगी। ध्यान रखो भाई, हमारी लाइन आप ही ठीक करने वाले हो, और लाइन हमारी बिगड़ गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखो, इसलिए अब सुनिएगा आदरणीय महेंद्र भैया, पी गए जहर जो औरों की भलाई के लिए, दाम उनका सदा लेके ये जमाने वाले, अब रोजावाद काम अमृत भी न आया है बुराई के लिए, काम अमृत भी न आया बुराई के लिए, मिट गए पल में कौन जिनके पास अमृत था, लेकिन वो बुराई मैं स्वयं मिट गए कैसे, क्या बात है महेंद्र भैया, कुलदीप भैया, एक शुक्ला एक पांडे, एक गए एक ठाणे, एक बात आई, काम अमृत भी ना आया है बुराई, मिट गए पल में हम लोगों को मिटाने वाले, पी गए कहे कुछ बुराई के लिए, अब सुनिएगा जहर और अमृत, जिसने जहर पिया उसका गुणगान कर रहे हैं जमाने वाले, और जिसके पास अमृत था वो भी बचा नहीं, सुनिएगा क्यों, कटे दस शीश भुजा, कटे दस
ये बात है तो कटे दस शीश भुजा बीस मरा व्यभिचार पास अमृत धाम मगर नाव बचा बलदार न रहा दीप ना दीप जला सागर जी दोनों पिया जा तारा जिन से जुड़ा और बड़ा प्यारा नाम है आपका विजय। हार ना हो होने वालों का नाम विजय। हम लोग कहते हैं
जब 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 दशहरा होता है तो कहते हैं सत्य की विजय हुई। क्या बात है। तो ये विजय बड़ा प्यारा नाम 20 नया आशीर्वाद है, तो सुनिएगा। क्या बात है। संग पैदा हुए बन गए राजा सदर रहे अगर किसी के सांप काट खाए तो उसका इलाज जहर से ही होगा। इसलिए जहर को मार जहर बने अमृत वो जहर। भैया चाय वाइन की ले लो, दादा रख दीजिए, ध्यान बढ़ जाता है, रख दीजिए सेवक भैया, लो पकड़ लो महेंद्र भैया। चेहर को मार चेहर बने अमृत वो चेहर, तो फिर से जी जाते और फिर से जी जाते चेहर से चेहर आने वाले, फिर से जी जाते चेहर से चेहर आने वाले। नाम नाम उनका करते गुणगान सदा उनका जमाने वाले, पी गए चहे जो
ये लोग कहते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है, जहर ही जहर उतारता है, तब जीवन मिलता है। तो घुमारी घुमारी उतरे फिर से जी जाते, फिर से जी जाते जहर से जहर खाने वाले, और फिर से जी जाते जहर से जहर खाने वाले। पी गए जहर रुझो भलाई, उनका गुणगान सदा करते जमाने वाले, काम अमृत बिना आया, काम अमृत बिना आया, बुराई के लिए और मिट गए पल में लोगों को मिटाने वाले। तो पी गए जहर जो औरों की भलाई, केवल जहर, जिसने जहर पी लिया उसका गुणगान जमाना कर रहा है, और जिसने अमृत अपने नाभि में धारण किया था रावण, उसने उसके पास अमृत था लेकिन वो बुराई के लिए था, स्वयं मिट गया। एक लख पूत सवाल कलाती, रावण घर दिया नवाती, ऐसे ही पिया उसे अमृत बनाया कन्हैया जी ने। ये जहर और अमृत की बात आदरणीय बड़े भैया श्री संतोष गुप्ता जी, उनकी ओर से 200 मुद्राओं का आशीर्वाद है, और बहुत पुराने प्रचंड कीर्तनकार आप हैं, आदरणीय राकेश शर्मा जी नीलमथा, उन्हीं के साथ में हमारे शर्मा जी पप्पू भैया, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है, और आदरणीय विजय भैया, अच्छा मुकेश भैया, मुकेश कुमार, उनकी ओर से ये 20 मुद्राएं पुनः आए हैं। इससे पहले विजय भैया आए थे, अब मुकेश भैया आए हैं। आइए, एक कवि मुकेश बहुत प्यारे गायक हुआ करते थे, तो आइए एक अपनी ओर से छोटा सा कोशिश तो यही है, लेकिन चूंकि मामला खंड गीत का, इसलिए क्योंकि कुछ लोग बरेली से भी आए थे झूमने वाले, तो एक सुनिएगा Thank you.
तोबा ये मतवाली चा ये कटपुतली की भाई फरमाई से इस धुन की तो भाई मतवाली चा अरे झुक जाए फूलों की डा हसीना ऐसे कुछ है मुझे गीत नहीं याद है सच्चाई है ये कुछ शब्द क्या है लेकिन आइए किसी किसी की गोदी में खिल जाते फूले किसी किसी की गोदी में खिल जाते फूले और गुस्से में किसी किसी के गुस्से में किसी किसी के गाल जाते फूल है और मरघट पे बीन करके मरघट के बीन करके लाए जाते वही बनारस हरिद्वार काशी प्रयाग जहाँ कोई जाए गंगा सागर वही फूलों की अपने संस्कारों में इतनी इज्जत है इतनी वैल्यू है कि कोई सुनाए कोई ना हो लेकिन वो फूल भी नहीं जरूर जाता मरघट से बीन करके लाए जाते फूल बातों में किसी और कोई कोई कहावत है लोग अपने मुंह से कह देते हैं कि उसकी वाणी इतनी मधुर है कि बातों में किसी के होठों बातों में किसी किसी के होठों से झरते धरती पे धरती के फूल
धातु में लोहा तांबा पीतल का सबेदा बताओ 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 कुल्ली कपूर जो लोग लच्छी पीते हैं वो जानते होंगे पहला नहीं हमका तो तीसरा नाम मिला